दोस्तों नमस्कार, मैं लक्ष्मी नारायण। आज हम बात करेंगे AIIT 111 की एग्ज़ाम के लिए, जो एग्ज़ाम के लिए CBT एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो गया है, आपको पता है। बट फॉर्म को हम कैसे सबमिट करें, बहुत से दिक्कतें आ रही फॉर्म में कि हम CBT एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो किसी किसी का पेमेंट फील्ड बता दे रहा है, किसी का 6 मंथ कॉन्ट्रैक्ट ऑप्टर जनरेट ये बता दे रहा है। तो आज हम फॉर्म भर के आपको दिखा रहे हैं कि फॉर्म में कैसे कैसे कहाँ पे क्या क्या करना है। SOP की मैंने आपको समझा दिया, आज मैं खुद ही फॉर्म को भर के दिखा रहा हूँ कैसे क्या क्या करना है। अपने ही फॉर्म को मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप ये देख रहे हैं कि इस जगह पे आप तो ये देख रहे हैं कि ये फॉर्म है मेरा। यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल देना आपको इस जगह पे, ठीक है। पहले तो साइट से आगे MPS पोर्टल पे आना, यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको डाल देना है। ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको डालने के बाद क्या करना है, यहाँ से लॉगिन कर देना है। आप यहाँ से लॉगिन कर दिए, नाम आ गया मेरा लक्ष्मी नारायण। उसके बाद आप यहाँ से डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड पे क्लिक करके फिर आप ये देखिए, यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद सब कुछ ओके है, कोई मैसेज नहीं। अगर डैशबोर्ड पे आप क्लिक करेंगे, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो आपको मैसेज आ जाएगा, आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अगर कुछ भी अगर मैसेज रहेगा तो आ जाएगा। उसके बाद हमें अप्लाई करने के लिए हमें DT असिस्मेंट पे जाना पड़ेगा, ये ऑप्शन पे यहाँ पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे हम जाके देखते हैं क्या है, यहाँ पे हम जाके देखते हैं। आप ये देख लीजिए, यहाँ पे हमारा दिखा रहा है AIIT मार्क्स, आप ये देख लीजिए जहाँ पे आपका दिखा रहा है ये यस के बगल में आपको एक ये भी दिख रहा होगा AAA, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है ऐसे, यहाँ पे आप क्लिक जब करेंगे, सॉरी क्लिक नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्लिक व्यू कॉन्टैक्ट डिटेल्स और इसके नीचे आएगा अप्लाइड फॉर AIIT असिस्मेंट के लिए, अप्लाई फॉर असिस्मेंट के लिए ऐसा लिख के आएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अप्लाई कर चुका हूँ इसलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा, क्योंकि मेरा पेमेंट पेंडिंग है। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये पेमेंट पेंडिंग होने के बाद, क्योंकि मैं वीडियो बनाने से पहले उस मोड पे गया, वहाँ से बैक आया, बैक आने के बाद ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा था, पेमेंट पेंडिंग का ऑप्शन दिखने लगा। तो इसलिए अगर किसी का पेमेंट भी पेंडिंग है तो वो AIIT एग्ज़ाम पे करेंगे, यहाँ पे स्टेटस हमारा पेमेंट का दिखने लगेगा। जिसका अगर पेमेंट यहाँ पे, जिसका भी पेमेंट पेंडिंग होगा वो पेंडिंग नहीं तो यहाँ पे सक्सेस का ऑप्शन दिखेगा। मैंने आपको SOP में भी दिखाया था, सक्सेस का मैसेज लिखा था, मेरा पेमेंट यहाँ पे पेंडिंग है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, पेंडिंग है तो ये पेंडिंग है, यहाँ पे मैं एक बार देखता हूँ 3 डॉट पे क्या दिखा रहा है। 3 डॉट पे क्लिक व्यू पेमेंट डिटेल्स पे मैं करता हूँ तो ये ऑप्शन आ जाते हैं। फिर देखिए क्या क्या ऑप्शन आए हैं, AIIT पेमेंट फीस ट्रांजेक्शन स्टेटस, मैंने कितनी बार ट्राई किया है, ये चीज़ें दिखा रहे हैं, 1, 2, 3, 4 इतनी बार मैंने ट्राई किया। फिर यहाँ पे ऑप्शन आ गया है, आप देख लीजिए, री फीस पेमेंट, यहाँ पे फिर से ऑप्शन आ रहा है आर यू श्योर वन डू प्रोसेस, यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप ये देख रहे, पे फॉर IBM ATS CBT एग्ज़ाम फी, यहाँ पे आने के बाद ये डिटेल आपका दिख गया। डिटेल दिखने के बाद आपको ये नाम दिख जाएगा, नाम दिखने के बाद आपको डिटेल्स और चीज़ें आ जाएंगी, क्या क्या है आपके डिटेल्स। यहाँ पे आने के बाद आप ये देख लीजिए, मोबाइल नंबर और एड्रेस वगैरह रहेंगी, यहाँ पे ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आप देख लो, यहाँ से आप क्लिक करो पेमेंट नाउ, यहाँ पे नाउ पे जाना। यहाँ से जाने के बाद फिर आपका इस तरीके से खुल जाएगा पेज। आप यहाँ पे भी आपको कंफर्म करना है कि मेरे जो ये एड्रेस बने हुए हैं, ये एड्रेस बने हुए हैं वो सही है कि नहीं है, ये चीज़ एड्रेस पे आपको देखना है, ईमेल आईडी और ये चीज़ें आपको दिख रही हैं सब।
ये सब चीज़ें अपना मिला लेना। हाँ सही है सब, 213 रुपये फी पेमेंट करना है, फिर सॉरी फीस पेमेंट करना है। तो हम आपको यहाँ से जाके आप नीचे आइए। अब पेमेंट करने का तरीका यहाँ पे दे रखा है, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग, कैश, जैसे भी करना है, कैश कार्ड से या वॉलेट से। हम यहाँ पे करेंगे आप पेमेंट अपना डेबिट कार्ड से। डेबिट कार्ड से हम पेमेंट करके आपको बता रहे हैं। पहले तो आपको यहाँ से कार्ड सिलेक्ट करना पड़ेगा, आप कौन सा कार्ड लगा रहे हैं, किस कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं। अगर डेबिट कार्ड से कर रहे हैं तो मैंने ICICI का कार्ड लगा दिया। यहाँ पे कार्ड नंबर फिलअप कर दूँगा। ये देखिए मैं पेमेंट कर दिया हूँ। पेमेंट करने के बाद अभी लोडिंग बैंकिंग पेज ले रहा है। अभी देखिए पेमेंट मेरा नेट थोड़ा स्लो होने के कारण, देखिए नेट स्लो है। पेमेंट अभी मेरा अभी एक पेमेंट अभी पेंडिंग आ गया था नेट स्लो होने के कारण। ये भी पेमेंट मैं कर रहा हूँ, देखता हूँ ये पेमेंट मेरा सक्सेस हो जाता तो बहुत अच्छा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, बाहर भी निकलना पड़ा बच्चों। पेमेंट सक्सेस, प्लीज़ वेट। मैं पेमेंट जिस, ये देखिए ये मेरा वेरीफाई के लिए अभी दिखा रहा है यहाँ पे। OTP आ गया मेरा, अभी मैंने डेबिट कार्ड से पेमेंट किया तो OTP आ गया था मेरा। अभी ये देखिए नॉट अलाउड, अभी ये पेमेंट हमारा सक्सेस नहीं हो पाए। एक मिनट मैं देख लेता हूँ। बट अभी भी पेमेंट स्टेटस में पेंडिंग दिखा रहा है, बट थोड़ी देर बाद ये सही हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म इसी तरीके से फिलअप किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो हम पूरे बनाते हैं दूसरे कैंडिडेट के लेके, नेक्स्ट वीडियो हम पूरा एक एक ऑप्शन बताते हैं। ये तो आगे से मैं ऐड कर चुका था, अभी नेक्स्ट वीडियो में दूसरे का बना के आपको बताता दिखाता हूँ कैसे होता है। ठीक है, मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ठीक है, धन्यवाद आपका।